इस वीडियो को देखने से पहले सिर्फ एक डिस्क्लेमर है कि इसके अंदर में कोई भी डिवाइड एंड रूल वाला गेम नहीं है या फिर किसी को भी एक तरह से सपोर्ट करना नहीं है, किसी भी धर्म को या फिर किसी भी पर्सनालिटी को डायरेक्टली डिफेंड करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जस्ट मैं अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ, अगर आप एग्री करते हो दैट्स गुड, अगर नहीं करते हो। दो दिन से वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग धड़ाधड़ इस पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और इसमें सब में एक ही ओपिनियन आ रहा है कि आमिर खान ने किरण को क्यों डाइवोर्स दे दिया है और डाइवोर्स देने का जो तरीका था वो इतना स्वीट कैसे हो सकता है। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि इन्होंने ये दूसरी शादी की है, 15-15 साल तक एक एक शादी चलाने के बाद जो है अब तीसरी शादी की ओर बढ़ रहे हैं और वो भी एक ऐसे हीरोइन के साथ में जिसके साथ में वो पिता का रोल प्ले कर चुके हैं। और इन सभी चीजों से जो फॉलोअर्स है, जो भी उनके फैंस है या फिर उनको जो भी फॉलो करते हैं या फिर जिस तरह की वो पर्सनैलिटी है उनको जो है दुनिया फॉलो करती है, तो ये चीजें करना जो है उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सबसे पहली बात, ये चीज किसी पे भी शोभा नहीं देता और कोई भी अगर इस चीज को करता है तो ये संदेश जो है बहुत गलत तरह से पहुंच सकता है लोगों तक। लेकिन सबसे पहली बात यह कि इनको फॉलो कौन करेगा, इस मामले में कौन फॉलो करेगा। पहली बात, अगर इनको कोई बच्चा फॉलो कर रहा है तो बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप ये कहो कि आगे चल के उसकी मेंटेलिटी वैसी हो जाए, लेकिन इनको जो फॉलो कर रहे हैं उनके पास में अच्छे खासे दिमाग है। और जहां तक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात, किसी भी स्टार को या फिर किसी भी मॉडल या आइकॉन को आप फॉलो करते हो तो उनकी अच्छी चीजों को लेनी चाहिए। अगर आप शाहरुख खान को देख रहे हो तो उनका एफर्ट देखना चाहिए कि वो अपने काम में कितने ज्यादा डेडिकेटेड है। अगर आप सलमान खान को देख रहे हो तो उनका अगर एक केस आ गया हिट एंड रन का या फिर गर्लफ्रेंड बार बार बदलने का, तो लोगों को उन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए जबकि उनकी अच्छी चीजों को फॉलो करना चाहिए, जिस तरह से वो एनजीओ में अपनी कुछ मदद पहुंचाते हैं। तो लोगों को सबसे पहले ये चीज समझना चाहिए कि हम किसी के भी लाइफ से इंस्पायर अगर होते हैं तो उनकी सिर्फ अच्छी चीजों को अपने अंदर में लेनी चाहिए। अब ये जो टॉपिक इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, इसके पीछे का रीजन यही है कि ये एक बहुत बड़े स्टार है और दुनिया जो है इनकी फिल्में देखती है। तो जहां तक बात फिल्मों की है, फिल्म में अगर वो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं तो उसको तो आप सीरियसली लेते नहीं हो ना। अगर वो फिल्म के अंदर में मर रहे हैं या फिल्म के अंदर में किसी हीरोइन को किस कर रहे हैं तो भाई ये सिर्फ एक एक्टिंग है, आपको ये चीज पहले से पता होती है। और अगर कोई बच्चा इस चीज को फॉलो कर रहा है तो उसको समझाने के लिए जो उनके पेरेंट्स होंगे। अब बात करते हैं कि इसके उलट एक तरफ में कुछ और भी चल रहा है लेकिन उसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। और बात कौन कर रहे हैं, ज्यादातर यूट्यूबर्स ही बात कर रहे हैं, मीडिया चैनल तो एकदम से ऑफ हो रखी है भाई। यहाँ पे दूसरा जो उलट एक चीज हो रही है जो कि रियलिटी में चल रहा है, रियलिटी में ये चल रहा है कि राजस्थान का एक ससुर जो है अपनी बहू से शादी कर लेता है और वो बहू से शादी करने से पहले अपने बेटे से तलाक भी करवाता है। इसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बेटा जो है बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस मचाता था अपनी वाइफ के साथ में और इस बात से जो बहुत ज्यादा वो तंग हो चुकी थी, जिस चीज को जो है ससुर रोज देखा करता था और उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद से उनको उनसे प्यार हो गया। दोनों अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद में ये शादी कर बैठे और करने के बाद इनको जरा भी शर्म नहीं है इस बात की। अब आप बताओ कि कौन सी चीज के ऊपर में सबसे ज्यादा हमें डिफेंसिव होना चाहिए, इस बात के ऊपर में सबसे ज्यादा हमें आवाज उठानी चाहिए। एक वो सुपरस्टार जिसका आज तो हमें पता है, कल का कुछ भी नहीं पता क्योंकि हर दिन एक नया हीरो पैदा होता है और हर कोई जो है अपना एक फैन बेस बनाता है और लोग जो है वक्त के साथ साथ जो है अपना रोल मॉडल भी चेंज कर देते हैं। पर यहाँ पे जो समाज में जो आपके आंखों के सामने आपके आस पड़ोस में हो रहा है, क्या उस चीज के ऊपर मैं आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या ये वाला मुद्दा बहुत कम है कि एक ससुर ने जो है अपनी बहू से शादी कर ली? चलो वहीं पे एक दूसरा न्यूज ये भी आ रहा है कि देश के एक कोने में ऐसा भी हुआ है कि सास जो है अपने दामाद को लेकर भाग गई। आई एम वेरी सॉरी, इस न्यूज के पीछे में ऐसा कुछ कॉमेडी वाली बात नहीं थी, पर जब भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है कि यार एक ससुर अपनी बहू से शादी कर लेता है, एक सास जो है अपनी दामाद से शादी कर लेती है और ये सारी चीज जो है रिपोर्ट भी हो गई है, सोशल मीडिया पे भी आ चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे कहीं ज्यादा ब्रूटली रिश्तों को जो है मतलब कुचला जाने वाला रिश्ता बनाया गया है जिसको लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। रीजन सिर्फ एक ही है कि हमारी संस्कृति के ऊपर में उंगली उठ जाएगी या फिर हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे या फिर इंडिया के बारे में लोग क्या सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको पकड़ करके उनपे ऑफेंसिव हो जाओ, लेकिन आपको अपने बच्चों को फिर अपने सराउंडिंग में अगर कुछ अच्छा मैसेज देना है तो सबसे पहले आसपास में देखना जरूरी है, ना कि वो कैमरा वाली लाइफ की जो कि भाई एक तरफ में लोग कर रहे हैं। देखो आमिर खान की बात की जाए या फिर उनके जैसे और भी स्टार्स, उनको पहले से पता है कि वो कितने गलत और कितने सही है और अपने डिफेंस के लिए वो किस तरह के वीडियो पब्लिक के सामने में लाएंगे वो चीज बताने के लिए उनकी पीआर टीम बैठी हुई है। लेकिन जो लोग नॉर्मल लाइफ में हमारे आसपास में या फिर हमारे देश में हमारे शहर या गली में जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि वो कितनी सही और कितनी गलत चीज कर रहे हैं? और फिर
उस रिश्ता को जो है किस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे। लेकिन देखा जाए तो इन लोगों को इस बात की शर्म नहीं है। लोगों को मेन प्रॉब्लम यह है कि एक मुस्लिम होकर के 3 से 4 शादी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वहीं पे जो है नॉन मुस्लिम होकर के अपने बहू से या अपने दामाद के साथ में रिश्ता बनाना और उनके साथ में भाग जाना, उनके साथ में एक प्रॉपरली लीगल अपना शादी करना, इस चीज को छुपाना किस हद तक सही है, क्योंकि यहाँ पे बात मुस्लिम और हिंदू की आ जाती है। क्योंकि इन सारे टॉपिक को मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कभी कवर नहीं करती है, और अगर कवर करती है तो उनको एक मुद्दा चाहिए होता है, कुछ ऐसा लव जिहाद वाला एंगल चाहिए होता है कि भाई कुछ और तरह से पेश की जाए। लोगों का यह भी कहना है कि आमिर खान एक के बाद एक शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं और करने के बाद में जो है उनके साथ में बच्चा पैदा करते हैं और उसके बाद से उनका वो लव जिहाद का जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है। मतलब आप समझ पा रहे हो कहां से कहां का कनेक्शन जुड़ रहे हैं। मैंने ये सारी चीज एज ए न्यूज आपको बताया है, लेकिन अभी आपके ऊपर में है कि आपको कौन सी चीज को सबसे ज्यादा सीरियस लेना चाहिए और किस चीज पे क्या एक्शन लेना चाहिए। यू आर द बेस्ट टू डिसाइड। लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों में से हो कि भाई सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज आमिर खान को करना चाहिए ना कि इन लोगों को जो कि आपके सोसाइटी में आपके साथ में रह करके आप ही के लेवल पे है। सबसे पहली बात कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो हमें नहीं पता है, उनकी रिश्ता किस तरह से गुजरी है नहीं पता है। 15 साल के बाद में अगर डाइवोर्स देने की बात आती है या फिर 15 साल का 2 शादी हो जाता है और लोग इसको एक तरह से पैटर्न मानते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। लोगों की सोच है आप कैसे भी आंकड़ा लगाओ, 1 और 1 मिला करके 2 हो जाता है, 2 बहुत लकी नंबर होता है और 3 जो है वो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट ऑफ 3 माना जाता है, 7 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह के कुछ भी लॉजिक लगा करके आप उसको जो है ऑफेंसिव या जस्टिफाइड बना सकते हो। आपका क्या कहना है इन सारे मुद्दों? देखो इस वीडियो के जरिए मैं किसी को सही या गलत साबित नहीं करना चाहता हूं, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये सही है ये गलत है, इस तरह का कोई भी कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं। मेरे हिसाब से आप बेहतर इन सारी चीजों को समझने के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइन और एंड अस्सलाम।